वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सबसे छोटी और सबसे कॉम्पैक्ट CO2 हैंडगन, जिसका नाम है बेरेटा 84FS। इस गन को उमरेक्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और इस गन की जो ब्रांडिंग है और जो ओरिजिनल लाइसेंसिंग है वो बेरेटा ने इसको दे रखी है। कई मॉडल्स में ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि बेरेटा खुद अपने फ्रेम्स इशू करता था उमरेक्स को, बट पता नहीं वो रूमर्स थे या सच थे। इस गन को तो कम्प्लीटली उमरेक्स ने ही बनाया है। इस गन के साथ में आपको इस तरीके का एक यूज़र मैनुअल मिलता है और गन बॉक्स के अंदर ये गन खुद आती है। गन की फुल ड्रॉप आउट मैगजीन है, हालांकि इसको टेस्ट करने के लिए हमने इसमें CO2 लोड कर रखा था, बट आपको जब गन दी जाएगी तो उसमें CO2 लोडेड नहीं होगा, CO2 आपको अलग से भेजा जाएगा। और फुल ब्लोबैक एक्शन है, जिसमें आपको यहाँ से आर पार मैगवेल रिलीज दिख रहा होगा। इस गन की स्पेशलिटी ये है कि ये गन फुल मेटल में बिल्ट है और इसकी जो सिर्फ ग्रिप्स हैं वो पॉलीमर की हैं, बाकी गन में कहीं भी प्लास्टिक का या पॉलीमर का कहीं और यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी ग्रिप्स प्लास्टिक की हैं। और ये जो इसका बोल्ट है उसका टैप का जो नॉब है ये नॉब पॉलीमर का है, बाकी इसका जो मैगजीन का शू है ये भी मेटल है, पूरी मैगजीन मेटल है। ऊपर का हिस्सा एल्युमिनियम है, नीचे का हिस्सा टाइटेनियम या किसी और महंगे ग्रेड के अलॉय का मिक्सचर है एल्युमिनियम के साथ में, और ऊपर ये प्योर एल्युमिनियम है जो वेल्व वाला पोर्शन है इसका। इस गन को अगर रिपेयर करना पड़ता है आपको या कभी भी इसमें लीकेज आ जाता है तो इसकी रिपेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्क्रू दे रखा है जिसको खोल के अंदर से सारे पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, और आप स्पेयर्स ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद भी घर पे इसको ठीक कर सकते हैं या फिर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं। हम अपने वेपन्स पे 3 साल की वारंटी देते हैं, जिसमें फर्स्ट 1 ईयर सब कुछ फ्री रहता है, सेकेंड 2 ईयर्स में आपको सिर्फ एक्सेसरीज़ का पार्ट पैसा देना पड़ता है और हम कोई भी रिपेयर का चार्ज नहीं देते हैं अगले 2 सालों तक। तो आप उस पूरे के 3 साल के बेनिफिट को उठा सकते हैं अगर आप हमसे ये गन लेते हैं। बाहर आप अगर कहीं भी ये गन लेंगे तो मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं है इस वक्त जो आपको ये फैसिलिटी दे रहा हो, हालांकि जो आपकी बाकी की फैसिलिटीज़ हैं वेपन खरीदने में, हमसे एयर वेपन खरीदने में, जैसे कि 50% आप पहले कैश हमको दे सकते हैं, मतलब पहले आप हमको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और बाद में 50% हम फिर से आपसे कैश ले सकते हैं, ये सब चीज़ें भी बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इस गन को अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एक मॉडल फेमस हुआ था लाइसेंस होल्डर्स के बीच में, उसका नाम था बेरेटा मॉडल 81, जिसको बेरेटा चीता भी बोला जाता था। उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया बेरेटा ने और उसकी जगह पे बेरेटा 84FS को लॉन्च किया, हालांकि 1980 से, क्योंकि इंडिया में इम्पोर्ट बैंड है तो इंडिया में लोगों ने बेरेटा 84FS को नहीं देखा, बट अभी भी जो लोग इस गन को देखते हैं वो लोग समझते हैं कि ये बेरेटा चीता है। तो अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं अपनी कमर पे लगा के तो कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये एक एयर गन है, लोगों को लगेगा कि शायद आप बेरेटा चीता को कैरी कर रहे हैं। और इसमें मैगजीन सेफ्टी भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से जब देखिए मैं इस मैगजीन को निकालूंगा तो साथ में एक नॉब बाहर आ जाएगा, मतलब अगर ये अंदर होगा तभी पैलेट फायर होगी। हालांकि इसमें CO2 ही मैगजीन में है तो जब ये बाहर निकल आएगा तो गन आपकी फायर नहीं होगी, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है। बट एक्चुअल फायर आर्म में अगर चेंबर में गोली होती है तो हैमर काम नहीं करता है जब तक ये पार्ट ऐसे प्रेस नहीं होता है तब तक। फर्स्ट 10 ऑर्डर्स को हम लोग इस गन के साथ में एक्सेसरी के रूप में ये होल्स्टर फ्री देंगे, हालांकि ये होल्स्टर कंपनी से साथ में नहीं आता है, ये होल्स्टर हमने अलग से बेचने के लिए मंगवा रखे हैं एज एक्सेसरीज, बट क्योंकि हमारे कस्टमर्स को भी फ़ायदे मिलते रहने चाहिए इसलिए हम अपने फर्स्ट जो 10 कस्टमर्स होंगे उनको ये होल्स्टर साथ में फ्री देंगे। ये होल्स्टर लेदर का बना हुआ है और इसके साथ में आपको दोनों तरीके से कैरी करने की फैसिलिटी मिलती है, एक तो बेल्ट लगाने पे और दूसरा ये क्लिप, मतलब आप इसको इनसाइड द पैंट भी कैरी कर सकते हैं। और जो हमारे पहले 5 ऑर्डर्स होंगे
उन पहले 5 ऑर्डर्स को हम साथ में ये उमर एक्स का बॉक्स भी देंगे गन को कैरी करने के लिए। मतलब जो पहले 5 ऑर्डर्स होंगे वो इस बॉक्स में अपनी गन को रिसीव करेंगे और साथ ही साथ ये बॉक्स उनको खाली मिलेगा। हालांकि अभी इस गन में हमारी वेबले रखी हुई है, बट आप बाद में इसमें अपनी बेरेटा 84FS को कैरी कर सकते हैं। फिर आपको ये प्लास्टिक का केस नहीं रखना पड़ेगा अपने पास, मतलब आप इसको संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि वो जो है कागज़ का बना होता है तो ये काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 या 2 महीने में ही ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपनी कार में कैरी करना चाह रहे हैं या आप अपने घर में सिर्फ शो ऑफ के लिए भी रखना चाह रहे हैं, पर मेहमान आने पर आप दिखाते ज़रूर हैं उन्हें कि देखो मैंने CO2 वेपन लिया है, तो ये उमर एक्स का बॉक्स, ओरिजिनल उमर एक्स का, वो शायद आपके वेपन की शोभा ज़्यादा बढ़ाएगा। तो पहले 5 ऑर्डर्स में हम ये उमर एक्स का बॉक्स देंगे साथ में और ये होल्स्टर देंगे, और फिर उसके बाद के जो 5 ऑर्डर्स होंगे उनमें सिर्फ ये होल्स्टर आएगा। तो 10 ऑर्डर्स तक ये होल्स्टर और 5 ऑर्डर्स तक ये बॉक्स मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद जो भी ऑर्डर करेगा उसको सिर्फ हमारा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जो हमने इस वेपन पे दे रखा है। तो इस वेपन को लेने के लिए जो स्पेशल डिस्काउंट्स हैं उन्हें अवेल करने के लिए आप एक बार हमें WhatsApp पे टेक्स्ट कर सकते हैं। हमें WhatsApp पे टेक्स्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करिए astrashastra.in, और वहाँ पर एक WhatsApp का लोगो मिलेगा। जिस WhatsApp के लोगो पे क्लिक करने से आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और फिर इस वेपन को एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के साथ आप अपना बना सकते हैं। वी आर ऑलवेज अप फॉर negotiation, बिकॉज अगर आप खुश रहेंगे तभी हम लोग खुश रहने वाले हैं। इस गन की आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि CO2 लोडेड है, बट चला के मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि हम लोग एक इंडोर अरेंजमेंट में हैं एज ऑलवेज। बट बहुत ही जल्द हम लोग शूटिंग रेंज से फायरिंग वीडियोस भी शेयर करने वाले हैं। तो गन कॉक्ड है, सेफ्टी लगी हुई थी, मैंने सेफ्टी को डिसंगेज किया और आप ब्लोबैक को देख सकते हैं इस गन के। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने चेक कर रखा है कि इस गन में कोई भी पैलेट नहीं है तो प्रोजेक्टाइल फायर नहीं होगा, इसलिए अभी मैं सेफ हूँ अगर मैं इसको फायर कर रहा हूँ तो। बट फिर भी मैंने ध्यान रखा हुआ है कि आगे किसी का हाथ या कोई ऐसी चीज़ ना आए। गन पीछे इसलिए ये ब्लोबैक रुक गया है क्योंकि मैगजीन एम्प्टी है। अगर मैगजीन में और पैलेट्स होते तो ये सेफ्टी लॉक जो है, स्लाइड लॉक जैसे कहते हैं, ये ना इंगेज होता। अब इस कैच रिलीज को मैं नीचे कर रहा हूँ और ये वापस आगे चला गया, ये ऐसे लॉक हो गया था। मैंने इस कैच रिलीज को यूं नीचे किया और ये स्लाइड फ्री होके वापस आगे चली गई। अब मैं इस गन को डिसंगेज करने के लिए हैमर को मैन्युअली बैठा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी गन को डिसंगेज करके वापस होल्स्टर में रख सकते हैं या फिर अपने बॉक्स में रख सकते हैं अगर आप पहले 5 लकी हमारे कस्टमर्स हुए तो। बाकी कस्टमर आप अगर हमारे लास्ट भी होंगे तो भी आप लकी ही रहेंगे क्योंकि हमारे जैसा डिस्काउंट आपको और कोई देने नहीं वाला है। ऐसे डिस्काउंट्स को अवेल करते रहिए और प्लीज़ हमें शेयर करिए। अगर हमें कोई भी आपका रेफरेंस देता है, आप हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो हम आपको पीछे से ज़रूर अप्रोच करेंगे और आपको आपकी नेक्स्ट परचेज पे ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स देंगे। गन फील्ड स्ट्रिपेबल है बट मैं अभी फील्ड स्ट्रिप करके नहीं दिखा सकता हूँ आपको। ये जो एक बटन है छोटा सा, इसको अंदर दबाना पड़ता है और ये लिवर नीचे जाता है, उसके बाद ये स्लाइड फ्री है इसको निकालने के लिए बाहर। बट थोड़ा सा काम पेचीदा हो जाएगा अगर मैं इस गन को पूरा फील्ड स्ट्रिप कर दूं, और मैं आपको भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस गन को फील्ड स्ट्रिप करें बार बार, क्योंकि ये फुल मेटल गन है, ये उस तरीके के वेयर एंड टीयर्स के लिए बनाई जाती है। जो एक्चुअल वेपन है वो उस तरीके के वेयर एंड टीयर्स के लिए बनाया जाता है कि उसको बैटल फील्ड में खोल के सोल्जर खुद सही कर सके। बट ये एक एयर गन है और ये आपके घर में खोलने के लिए या ये बैटल फील्ड में खोलने के लिए नहीं बनाई गई है। इसको सिर्फ रेप्लिकेट करने के लिए इसमें वो सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं जो एक एक्चुअल वेपन में होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने घर पर इसको फील्ड स्ट्रिप करके इसकी ऑयलिंग करें या इसको साफ़ करें। जब भी आपको इसकी ऑयलिंग करनी होगी तो आप बस इसको खोलेंगे, स्लाइड को इतना पीछे लेके जाएंगे, ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे बैरल में, थोड़ा सा ऑयल यहाँ से डाल देंगे बैरल के अंदर, क्योंकि इसमें स्मूथ बोर बैरल है बीबी फायर करने के लिए, तो आपको ब्रश डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रश डाल रहे हैं तो आप बैरल को डैमेज कर देंगे। जिस बैरल में ग्रूव्स होते हैं
उस बैरल में ब्रश को डाल के ग्रूव्स को साफ करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ 2 ड्रॉप ऑयल डालना है। ऑयल आप हमसे खरीद सकते हैं गन के साथ में ही, हम कभी अगर ऑफर निकला तो शायद आपको गन के साथ ऑयल फ्री भी दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको 2 ड्रॉप पेलगन ऑयल जो हम बेच रहे हैं अभी ऑनलाइन, या अगर आप लकी हुए और हमारा ऐसा कोई ऑफर चल रहा हुआ जिस वक्त आपने ऑर्डर किया, ये हम आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे, तो हम आपको साथ में भी दे सकते हैं कम से कम एक जो है बॉक्स पेलगन ऑयल का। यहाँ से आपको 2 ड्रॉप्स डालना है, 1 ड्रॉप पीछे वेल्व पे डालना है, यहाँ से भी लीकेज हो सकती है क्योंकि अंदर ओरिंग होती है और ये पार्ट थोड़ा सा रबर का है सीलिंग उसकी। 1 ड्रॉप आपको आगे से डालना है। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे वॉल्थर के हाई मेंटेनेंस CO2s ले सकते हैं, जिसको आप यूज़ करके अपनी गन को कभी भी 500-600 शॉट्स फायर करने के बाद आप एक बार वो CO2 डाल देंगे और वो अपने आप पूरी गन की सर्विसिंग कर देगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो गन में पूरे ऑयल सर्कुलेट कर देगा वाल्व्स में और हर जगह, और आप आराम से उससे भी 60-70 शॉट्स फायर कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे हाई पावर उमर एक्स के CO2s जो उमर एक्स की ही गन के साथ में यूज़ करते हैं हम लोग, तो उनमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलती है और करीब 100 शॉट्स आपको एट अ वेलोसिटी ऑफ 450-500 FPS मिल जाते हैं। इसके साथ में जो एम्यूनेशन आपको यूज़ करना है वो उमर एक्स के ही कॉपर कोटेड BBs हैं। हमारे पास जिंक कोटेड स्टील BBs भी हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल यूजर्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं, उसको आप प्रैक्टिस के लिए ना यूज़ करें, थोड़ा सा महंगे भी हैं, प्लस उन BBs से अगर किसी को चोट लग गई तो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेटेड स्टील BBs हैं और उन पर जिंक कोटेड है, तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं अपने टारगेट पर। हालाँकि हमारे कुछ कस्टमर्स जो सेल्फ डिफेंस के लिए CO2 वेपन को अपनी कार में पैक्ड कैरी करते हैं, बॉडी पे लगा के नहीं कैरी कर सकते हैं वो लोग भी नहीं करते हैं, बट जो लोग गन को बॉक्स में रख के कार के अंदर पैक्ड कैरी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये उमर एक्स के बॉक्स में एक वेबले का CO2 वेपन दिखाया, वो लोग ज़्यादातर जिंक कोटेड स्टील BBs का यूज़ कर लेते हैं अपनी गन में एज एमिनेशन। हालाँकि एक पैलेट गन मैंने आपको दिखाई थी, बट अगर हम इस गन की या इस तरीके की BB गन्स की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही तरीके की एम्यूनेशन हमारे वेबसाइट पे हैं, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और आप अगर हमें व्हाट्सएप पे बताएंगे तो हम आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस भी भेज देंगे। प्राइजेस फिर से मैं कह रहा हूँ कि निगोशिएबल हैं। गन की अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो गन में हालांकि ये इजेक्टर वर्किंग नहीं है क्योंकि ये BB गन है, बट इजेक्टर भी इन्होंने शो कर रखा है, इवन फायरिंग पिन की डिज़ाइन को शो कर रखा है जो फायरिंग पिन को रिटेन करती है एक्चुअल गन में एक क्लिप। और साइट्स कोई भी रेड डॉट नहीं है क्योंकि एक प्लिंकिंग गन है, एक्चुअल गन में भी कोई साइट नहीं आती है क्योंकि ये कंसील्ड कैरी वेपन बनाया था बेरेटा ने और साइट्स को सबसे ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करी गई है। और कंसील्ड कैरी वेपन का यूज़ आप हमेशा क्लोज कॉम्बैट क्वार्टर सिचुएशन में करते हैं, मतलब कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर करते हैं। पॉइंट ब्लैंक का मतलब सटाके मारना नहीं होता है, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है विद इन अ रेंज वे यू डोंट नीड टू साइट द गन। बट क्योंकि ये एक CO2 वेपन है और उमर एक्स ने इसके अंदर अपने हाई परफॉर्मेंस वाल्व्स डाल रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गन की जो मेंटेनेंस है उसको यहीं से खोल के आप कर सकते हैं और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, तो इस गन की जो रेंज है वो 366 मीटर ऑन द बॉक्स है। लेट्स नॉट कंसिडर कि वो सच है, हो सकता है उन्होंने मार्केटिंग के लिए बोला हो, बट अगर 200 मीटर तक भी आपकी प्रोजेक्टाइल जो है फायर कर रही है और वहाँ तक वो उसकी इफेक्टिव रेंज है 200 मीटर तो आपकी गन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसे आपको बच्चों के हाथ पैरों के पास से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना है, उसे आपको अपने अलावा किसी और के हाथ में नहीं जाने देना है, क्योंकि ये गन जब आप हमसे ख़रीदेंगे तो हम आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे, यहाँ पे गन का सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर हमारी अंडरटेकिंग में होगा, आपका आधार कार्ड अटैच्ड होगा, आप को भले ऐसा लग रहा हो कि ये गन एक लाइसेंस वेपन नहीं है आप इससे खेल सकते हो, बट लेट्स ट्रीट दिस एज एन एक्चुअल वेपन। और अगर इस गन से कोई भी गलत काम होता है तो जिस बंदे ने ये हमसे गन खरीदी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हम कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ इस गन को आप तक पहुँचा रहे हैं, हम इस गन को अपने काउंटर से निकलने के बाद कोई भी रिस्क अपने सिर पर नहीं लेने वाले हैं। बट अगर आप इस गन को रखते हैं तो आप इस गन को वैसे ही सेफली और रेस्पेक्टफुली कैरी करिए जैसे कि एक ओरिजिनल फायरआर्म है।
बस फर्क इसमें इतना है कि ये CO2 गैस को यूज कर रहा है फॉर प्रोपल्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो इस गन में 17 शॉट्स की क्योंकि कैपेसिटी है, तो गन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, रिलायबल गन है। अगर इतनी बड़ी 1.32 कैलिबर की गन होती आपके पास में तो शायद वो सिर्फ 8 राउंड्स होल्ड करती, बट ये गन 17 शॉट्स ऑन द बॉक्स लिखा हुआ है। मैंने खुद ने इसमें 19 शॉट्स लोड कर रखे हैं इस मैगजीन में, क्योंकि स्प्रिंग बहुत बड़ी है इस गन की, पीछे तक पूरा जाती है। 17 शॉट्स सिर्फ यहाँ तक हैं, यहाँ तक अगर आप खींच के भर दोगे पूरा पीछे तक तो इसमें 23 शॉट्स आते हैं, बट 19-20 शॉट्स तो मैंने खुद ने इसमें फायर कर रहे हैं, रख के स्टोर किया है अपने पास में कई बार। तो आप लोग भी उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्राइड एंड टेस्ट कर लिया है कि इसमें आ जाते हैं इतने शॉट्स। बाकी इस गन को अपना बनाने के लिए आप जो है हमेशा फ्री हैं, मतलब हम हमेशा फ्री हैं आपके लिए, और आप कभी भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। रात में 12 बजे भी अगर आपका टेक्स्ट आएगा तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सुबह हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए क्योंकि उठने में देर हो सकती है हमें, बट मैक्सिमम आपको अगर आपने सुबह 6 बजे मैसेज किया है हमें तो 8-9 बजे तक रिप्लाई मिल जाएगा और ये गन आपकी हो सकती है। एक बार फिर मैं इसको फायर करने जा रहा हूँ ताकि आप ब्लोबैक और आवाज़ देख लें। इस बार मैं स्लाइड कैच को नीचे खींच के रखूँगा ताकि साइकिल पूरी दिखे आपको ब्लोबैक की। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि आप फर्स्ट 5 कस्टमर्स में हो ताकि आपको ये बॉक्स फ्री मिल सके और साथ में ये होल्स्टर भी, और फर्स्ट 10 कस्टमर्स में हो ताकि एटलीस्ट ये होल्स्टर मिल सके। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट। हमें व्यूज़ की भी बहुत ज़रूरत है वेबसाइट पे भी, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने ये गन पहले से ले रखी है तो इसके लिए हमारे पास वुडन ग्रिप्स भी हैं जो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके ले सकते हैं। वुडन ग्रिप्स थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेंगी क्योंकि वो हैंडमेड है और ये बरेटा का लोगो एग्जैक्टली हाथ से तराशा है हमारे कारीगर ने, बट आप अपनी गन पे अगर एक वुडन ग्रिप लगा के टहलेंगे तो शायद लोगों को देखने में वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। थैंक यू, टेक केयर गाइज़।